नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के विद्यार्थी सेवा केंद्र के माध्यम से हम प्रतिलिपि अंक तालिका अर्जेंट एवं प्रवेशन प्रमाण पत्र किस प्रकार आसानी से एवं तुरंत प्राप्त कर सकते हैं के संदर्भ में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। स्क्रॉल बार को हम स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें विद्यार्थी सेवा केंद्र का लिंक दिखाई देगा। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर विद्यार्थी सेवा केंद्र। यदि आप प्रतिलिपि अंक तालिका अर्जेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ₹200 का भुगतान करना होगा। यदि आप तुरंत प्रवेशन प्रमाण पत्र माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शुल्क के रूप में ₹200 का भुगतान करना होगा। जैसे ही आप विद्यार्थी सेवा केंद्र पर पहुँचेंगे निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र 2 प्रतियों में भरना होगा। आवेदन पत्र में अपने हस्ताक्षर कर पूरा नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, परीक्षा का पूर्ण विवरण हम देंगे एवं दूरभाष नंबर अवश्य लिखें। तो यह आवेदन पत्र में हमें हस्ताक्षर करना होगा, पूरा नाम लिखना होगा, पता लिखना होगा, परीक्षा का पूर्ण विवरण लिखना होगा एवं दूरभाष नंबर हमें देने होंगे। निर्धारित शुल्क नगद जमा करवाकर रसीद अवश्य प्राप्त करें। तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है यदि आप प्रतिलिपि अंक तालिका प्राप्त करना चाहते हैं तो ₹200 का जो शुल्क है वो जमा कराना होगा और उसकी रसीद प्राप्त करनी होगी। यदि आप प्रवेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो ₹200 की जो शुल्क जो रसीद है वो आपको यहाँ पर नगद जमा कराकर प्राप्त करनी होगी। निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त राशि नहीं देवे। प्रथम चरण में 2001 से वर्ष 2020 तक की प्रतिलिपि अंक तालिका एवं प्रवेशन प्रमाण पत्र उसी दिन उपलब्ध करवाई जाएगी। तो यह स्पष्ट किया गया है कि प्रथम चरण में 2001 से लेकर 2020 तक की जो प्रतिलिपि अंक तालिका है एवं प्रवेशन जो प्रमाण पत्र है वे उसी दिन आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। बशर्ते इंटरनेट कनेक्टिविटी सुचारू रूप से कार्य कर रही हो। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है और सही ढंग से कार्य कर रही है तो आपको उसी दिन प्रतिलिपि अंक तालिका एवं प्रवेशन प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाएगा। प्रलेख में संशोधन के आवेदन एवं संशोधित प्रलेख बोर्ड कार्यालय द्वारा ही स्वीकार किए जाएंगे। तो यहीं स्पष्ट किया गया है यदि आप किसी अंक तालिका में किसी प्रकार की त्रुटि को सुधार करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं तो आपको बोर्ड कार्यालय में आवश्यक जो दस्तावेज है वो लेकर पहुंचना होगा। कार्यरत विद्यार्थी सेवा केंद्र। अब बात कर लेते हैं हर जिले में एक जो विद्यार्थी सेवा केंद्र कार्यरत है तो इसके संदर्भ में हम यह जानकारी ले सकते हैं। तो आपके जिस जिले में विद्यार्थी सेवा केंद्र कार्यरत है वहां पर जाकर आप प्रतिलिपि अंक तालिका एवं प्रवेशन प्रमाण पत्र उसी दिन प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर विद्यार्थी सेवा केंद्र के व्यक्ति का नाम एवं दूरभाष नंबर यहां पर दिए गए हैं तो आप इनसे तुरंत संपर्क कर सकते हैं ताकि प्रतिलिपि अंक तालिका एवं प्रवेशन प्रमाण पत्र तुरंत प्राप्त की जा सके। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है जहां से आप तुरंत इस वेबसाइट पर पहुंचकर विद्यार्थी सेवा केंद्रों के संदर्भ में आसानी से जानकारी ले सकते हैं। टोटल 34 विद्यार्थी सेवा केंद्र राजस्थान के विभिन्न जिलों में कार्यरत है। ऑनलाइन माध्यम से भी हम अपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट, प्रतिलिपि अंक तालिका आदि प्राप्त कर सकते हैं। इसके संदर्भ में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम ऑनलाइन डुप्लीकेट मार्कशीट, प्रतिलिपि अंक तालिका या माइग्रेशन सर्टिफिकेट हम घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन मंगाने में हमें कम से कम 10 से 15 दिन का समय लगेगा लेकिन विद्यार्थी सेवा केंद्र के माध्यम से हम तुरंत अपनी प्रतिलिपि अंक तालिका एवं प्रवेशन प्रमाण पत्र आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अप्लाई ऑनलाइन एंड PP4 डॉक्यूमेंट्स के संदर्भ में, अर्थात ऑनलाइन माध्यम से हम किस प्रकार घर बैठे
डुप्लीकेट मार्कशीट एवं प्रवेशन प्रमाण पत्र मंगवा सकेंगे। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रकार के प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE वित्त HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।